अब एयरपोर्ट की तरफ निकलना है बट एक समस्या हो गई। हाँ जी आंटी, सत श्री अकाल। मटर पनीर दे दे सही। 800-2000 डॉलर तक का फाइन हो सकता है। हाँ जी एवरीवन, तो आज मेरा लास्ट डे अमृतसर में और मैं अभी निकल रहा हूँ, चेकआउट कर रहा हूँ होटल से, सामान अपना रेडी है और अभी मैं जाऊँगा एक अंकल के पास, उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है जहाँ मैं रहता हूँ पर्थ में, तो उनको कुछ सामान देना है मुझे जब, तो कि मैं उनसे सामान पिक करके उनके बेटे को दे पाऊँ। तो अभी मैं निकल रहा हूँ और रास्ते में दिखाता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। बहुत ही बिजी मार्केट है ये और पर रौनकी है, अच्छी है, गोल्डन टेम्पल के बहुत करीब है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैं वीडियो में ज़्यादातर बोल नहीं रहा हूँ, रीज़न ये है कि अभी मैंने जस्ट ये ब्लॉगिंग बनाना जस्ट स्टार्ट ही किया है, तो दो रीज़न है। एक तो बहुत ही शर्म सी आती है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्या कर रहा है ये, इसको मैं ओवरकम कर रहा हूँ। एंड दूसरा मेजर रीज़न है कि अभी मैंने माइक नहीं लिया, तो विदाउट माइक मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि जो मैं बोल रहा हूँ ना वो ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, और ऑर्डर कर दिया मैंने तो चलो। ये सारा गोल्डन टेम्पल है और अंकल का घर जस्ट गोल्डन टेम्पल के बैक साइड में, ये सारा गोल्डन टेम्पल का एरिया। तो हम पहुँच ही गए अंकल के घर, रास्ता सही था, चलो देखते हैं अंकल घर पे हैं। हाँ जी अंकल जी, सत श्री अकाल। ठीक ठाक जी, साढ़े बारह फोन आया उन्होंने, मैं मैंने पता है, थैंक यू। वो साढ़े बारह बजे कैसे हो? बड़ा बढ़िया। अच्छा पूरा ब्लॉक फोन आ चुके, मैं सामान देने जाना हूँ जरा। अच्छा जी हाँ ठीक है, बढ़िया बन रही है। हाँ बहुत बढ़िया, साढ़ा घर भी लाहौर हो। हाँ जी हाँ जी जरूर। अच्छा आप लाहौर गए? हाँ जी। इसे लाहौर है ना? आप याद बनानी है? नहीं आप याद नहीं। चलो ठीक है ठीक है। अच्छा बच्चे अंकल आंटी लेट हो रहे थे और हम भी निकल गए। एक्चुअली उनका बेटा और उनकी फैमिली पर्थ में रहती है ऑस्ट्रेलिया में, उनका कुछ सामान था जो उन्होंने मुझे दे दिया और चलो अब वापस से होटल जाते हैं, बैग में सामान डालते हैं और फिर निकलते हैं। मेरी फ़्लाइट है अराउंड 11:30 बजे की, बट उससे पहले हम हरमंदिर साहब जाके मत्था टेक के आएंगे, तो चलो। हाँ जी, तो हमने दर्शन कर लिए, अब हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, फ्लाइट है 11 बजे की और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 7। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने होटल की तरफ, यहाँ से अब हम ऊबर या ओला कोई कैब बुक करेंगे और फिर निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। हाँ जी भैया बताइए, फिर सामान हमारा पैक है। हाँ जी, तो दर्शन करके हरमंदिर साहब से आ गए हैं, अब एयरपोर्ट की तरफ निकलना है बट एक समस्या हो गई। यहाँ पे जितने भी अमृतसर के आसपास होटल हैं गोल्डन टेम्पल के पास, वहाँ पे कोई कैब सर्विस नहीं है, मतलब ना कैब आ सकती है और ना ही आप यहाँ से जा सकते हो। तो भैया ने मुझे अभी बताया कि अगर आपको यहाँ से कैब लेके जाना है तो पहले हॉल गेट जाना पड़ेगा जो कि यहाँ से 2 या 5 मिनट की दूरी में है, यहाँ से आप रिक्शा या ऑटो कर लो और वहाँ से आप कैब कर लो, है ना भैया? मतलब आप कभी भी यहाँ पे आते हो तो हॉल गेट तक आपको कैब सर्विस है, मतलब आसपास, और उसके बाद फिर आपको बैटरी करके यहाँ पे आना पड़ेगा। मैं निकल चुका हूँ हॉल गेट की तरफ अपनी कैब के लिए। तो ये अब मैं अपनी कैब का वेट कर रहा हूँ, कैब मैंने बुक कर ली है, देखते हैं। कैब हमारी आ गई है,
और भैया क्या हाल चाल? जाम काफी लगा। हाँ जी पर इस साइड लगा बॉर्डर छुट्टे ना बॉर्डर का रश आंदे जी जी बॉर्डर देखने जाते हैं ना इस वजह से रश होता पूरा। ठीक ठीक पहुंच गए हम एयरपोर्ट, अंदर चलते हैं और फिर यहाँ पे। हाँ मेरे एक फ्रेंड है, उसकी मदर ने मुझे मिलना है, पहले आंटी को ढूंढना पड़ेगा। आंटी ने कम से कम भी तो 4 से 5 बार कॉल कर दिया कहाँ हो कहाँ हो। हाँ जी आंटी सत श्री अकाल। ठीक ठाक जी? हाँ जी तो फाइनली अपना बोर्डिंग हो चुका है, अब हम फ्लाइट की तरफ चलते हैं। आंटी चलिए, कितना लग रहा है? ठीक है, जो भी हो गया। चलो ये मैं फाड़ लेना तुम्हें। हाँ जी हाँ जी चलो। उत्ते ही आ जाओ, उत्ते ही है शाल हैगा। चलो आंटी दसो कितना लगन दिया? बहुत सोना पाठ हो रहा, वधिया लग रहा। हाँ वधिया। अच्छा हिंदी आती है आंटी तनु? हाँ जी आती। कितनी हिंदी आती है? बहुत। आंटी ने अपना पिटारा खोल लिया है। खाना खाने लगी है। बिस्कुट नमकीन भी ले आई हैं। ले अच्छा बिस्कुट नमकीन भी आ गए। तो आंटी खोल दो ना। बस खोल दो मटर पनीर। हाँ अच्छा नाड़ा अचार। अच्छा नींबू दा मिर्चा। आंटी यह सुख हों नाल कोई एक अपने व्डा हो जाए ना रोटी पानी, क्योंकि जो राह च रोटी पानी मिलता वो इन्ना वधिया नहीं हुंदा। चलो खाना खा के फिर बात करते हैं। हाँ जी खाना खा लिया हमने, बहुत अच्छा आंटी, थैंक यू खाने लिए। थैंक यू। चंगा मेरा पुत्र जींदे रहो महाराज, हजारों साल जी करोड़ पति बने। बस आशीर्वाद चाहिए था सानू। बस और 1.5 घंटा रह गया बोर्डिंग फ्लाइट डिपार्चर होने में, अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं। एज सुन एज अनाउंसमेंट होगी हम फ्लाइट की तरफ चल पड़े। ठीक है आंटी, बहुत लंबी क्यू है, लाइन बहुत लंबी है। हाँ आप अगे बह जाने। कित रह गए आंटी? ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ, ਜਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ? ਹਾਂ ਹੈਨਾ, ਇਹੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। हाय गाइस सॉरी
मैं एक्चुअली ब्लॉग को थोड़ा कंटिन्यू नहीं कर पाया। मलेशिया तो मैं काफ़ी टाइम पहले पहुंच गया था, 4-5 घंटे पहले। तो यहाँ पे आके पता चला है कि मेरी फ़्लाइट 18 घंटे डिले है, 18 आवर्स। और मेरा पावर बैंक अमृतसर एयरपोर्ट में सिक्योरिटी वालों ने निकाल लिया था एंड फिर वापस मुझे दिया ही नहीं, ना ही बैग में डाला। और मेरा मोबाइल की बैटरी ऑफ हो गई थी, डेड हो गया था। और यहाँ पे पावर पॉइंट जल्दी से आपको, या इंडियन बोल लो या ऑस्ट्रेलियन बोल लो, आपको जल्दी से मिलेंगे नहीं। बड़ी मुश्किल से इस शॉप में आपको ये पावर पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ। और अभी चार्ज पे लगाया है तो सोचा कि आपको बता दूँ। और जल्दी से मोबाइल चार्ज कर लेता हूँ फिर कंटिन्यू करता हूँ। हाँ जी, तो मैं निकल चुका हूँ, देखता हूँ खाने को क्या मिलते हैं, ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। लग नहीं रहा कोई वेज का ऑप्शन। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू हैव इन वेजिटेरियन? यू डोंट हैव एनीथिंग इन वेजिटेरियन? नथिंग? नथिंग, ऑल इज नॉनवेज। ओके, डू वी हैव एनी रेस्टोरेंट अराउंड? आई से इंडियन फूड। इंडियन फूड? या, आई से लेफ्ट। ओके, थैंक्स। तो यहाँ पे कोई वेज का ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऊपर ऑप्शन है वेज का, इंडियन रेस्टोरेंट भी है कोई, तो चलो वहाँ ट्राई करते हैं। मैकडोनल्ड भी है बट उम्मीद नहीं है कि यहाँ मैकडोनल्ड में वेज कुछ मिलेगा। मैकडोनल्ड की जो आलू टिक्की बर्गर है वो वर्ल्ड बेस्ट है और वो सिर्फ आई थिंक इंडिया में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती। वो रहा स्ट्रीट फूड ऑफ इंडिया, ये बर्गर क्यों अच्छा खासा फूड कोर्ट है इनका, काफ़ी बड़ा है। नॉन वेज की तो मौज है यार, नॉन वेज तो बहुत ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ से ट्राई करता हूँ पहले। एक मलेशिया का यहाँ कुआलालंपुर में होटल है जो एयरपोर्ट के अंदर है, सामसामा। तो यहाँ पे अगर किसी का स्टे अगर आपका ज़्यादा का है, मतलब एक दिन का या फ्लाइट डिले हो गई, तो आप ये कंसीडर कर सकते हो। मैं एक बार रुका था जब फैमिली के साथ आया था, तो काफ़ी अच्छा है। डू यू हैव एनीथिंग इन वेजिटेरियन? डोंट हैव। यहाँ से भी जवाब मिल गया हमको कि नहीं है। यार आप भी बताओ कि आपको भी दिक्कत आती है वेजिटेरियन फूड हंट करने के लिए इंडिया के बाहर? मैकडोनल्ड में तो उम्मीद है नहीं, बट हम मैनुअली यहाँ चेक कर लेते हैं, मशीनें लगी हैं। जा पा जा, नहीं है गलती, यहाँ भी नहीं है। मुझे ये डर है कि मुझे भूखा ना रहना पड़ जाए यार। टेस्ट ऑफ इंडिया से कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा उम्मीद करता हूँ। ये रहा टेस्ट ऑफ इंडिया, ये वेजिटेरियन ऑप्शन, पनीर बटर मसाला, आलू गोभी, वेजिटेबल दाल, ये दाल कम सब्जी ज़्यादा लग रही है, और बाकी फिर ये सब नॉन वेज। हाय, वन वेजिटेबल राइस सेट। वन वेजिटेबल राइस सेट, या सो व्हाट आर द ऑप्शन? थ्री ऑप्शन, टू ऑप्शन, आई कांट सी दिस वन। Okay, so this is not the option. No. So how much is this paneer butter masala? 10 ringgit, 5 ringgit. 10 ringgit? 10 ringgit, 5 ringgit. Okay, I will have one, this one, and other one is beans, and then one serve of paneer. Yeah. Yeah. हाँ जी, खाना हमारा आ गया। मैंने पनीर भी ऑर्डर किया था, बट ये कह रहे हैं कि पनीर नहीं है और जो है वो फ्रेश नहीं है, तो मैंने बोला कैंसिल कर दो, ट्राई करके देखता हूँ कैसा है। खाना मैंने खा लिया, खाना बहुत अच्छा था, थम्स अप टू टेस्ट इंडिया। अब निकलते हैं। खाना मैं कहूँगा बहुत वाव नहीं था बट अच्छा था। अगर आपको बहुत स्पाइसी पसंद है या बहुत तड़के वाला कुछ खाना चाहते हैं तो आपके टेस्ट का नहीं है, बट अगर आप लाइट कुछ खाना चाहते हैं तो बहुत सही था और क्वांटिटी भी अच्छी थी। वैसे तो मैं खाना आंटी लेके आई थी खा सकता था, बट आंटी पूरी वेजिटेरियन है, उन्होंने अमृत खाया है तो वो बाहर का अवॉइड करती हैं,
तो मैंने सोचा कि वो खाना आंटी खा लेंगी और मैं यहाँ से कुछ देख लेता हूँ, और प्लस वेजिटेरियन का क्या ऑप्शन है इस पर एक छोटा सा मतलब डेमो दे देता हूँ। हाँ जी आंटी जी, की कर रहे हो? रिलैक्स कर रहे हो? झूठे लाए कुर्सी से? किदा लगा? अच्छा अच्छा आंटी जी, कोई को कॉफ़ी कोई कुछ खाना पीना कुछ भी? चाह पीनी? मैं लभ के वेखा चाह मिल। अच्छा चलो ठीक है। आंटी चिल कर रही है, आंटी ने अपने फ्रेंड्स बना लिए हैं यहाँ पर। चलो अच्छी बात है, 16 to 18 आवर्स एयरपोर्ट में बिताना यार टफ है। अभी सिर्फ 8 बजे हैं, रात के 8। हम सुबह 8 बजे यहाँ पे आए थे, सिर्फ 12 घंटे क्रॉस हुए हैं, अभी और 6 घंटे पड़े हैं। एक्चुअली इतनी लॉन्ग हॉल्ट था नहीं, इतना हुआ क्या कि हमारी जो इंडिया से फ़्लाइट थी वो डिले हो गई, और उस चक्कर में जो हमारी नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट थी वो हमारी ऑलरेडी चली गई है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट फ़्लाइट अवेलेबल है वो है समवेयर अराउंड रात के 2:30 बजे। तो इतना लंबा हॉल्ट कभी किया नहीं है एयरपोर्ट में, काफ़ी बोरिंग है यार, काफ़ी बोरिंग है। हाँ जी आंटी जी, दसो। हाँ जी दसो गलबात कोई। जो कैमरा मैं लाँगा नहीं उदो तो ही बड़ी गल कर दी, तो जो कैमरा ला देना उदो भी बस ठीक ठाक। एयरपोर्ट घूमया कि नहीं तुम? घुमावा एयरपोर्ट का? नहीं बस तो चलो अब हो गया नैप टाइम, नैप लेके जब फ्लाइट का टाइम होगा तब उठते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। गाइस ये आंटी ने मुझे बोला कि इसको भूख लगी है तो इसको फ्राइज खिला दो, तो हम अभी जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स। इसकी एक्साइटमेंट चेक करो। चलो चलो चलो। हाँ की खाना है? मैकडॉनल्ड्स की खाना है? मैकडॉनल्ड्स की खाना है? कितने मम्मा दादू कितने? हाँ चलो इधर इधर इतने इतने आके चिप्स दे खाइए, चिप्स दे खाइए, चिप्स दे दे, चिप्स दे दे, चिप्स दे दे मैनू, दे दे सही। मैं एक चिप्स दे खाई है भज गया। नहीं 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 मैं मजाक करता हूँ। बाय बाय कर दे, बस हूँ नहीं बाय। हूँ आंटी जी एक बज गए रात के, दसो हम बस ठीक है। एक बज गए ते हुण आपां जहाज च बह जाना, 2:30 बजे ते बह के 2:30 बजे दाल तोड़ना, अभी 1.5 घंटा हो रहा है। अपने जाए तो गाइस अभी 1 बज गए, 2:30 बजे हमारी फ्लाइट है। लेट्स सी आंटी केड़ा बच्चा रोन दिया? गुड़िया रोन दे, पहले इन्ने बच्चे रोन दे सी जिला मर्जी चुप कर ला सी, हुन अगे चुप करने जा रहे हैं ना, आंदे ने परमिशन लेनी पेंदी। हां है ना, सोनी गुड़िया रोन दे, पता नहीं की होया के नहीं होया, मेरा जी करदा चुप ला चुप करावा करा गल ना भाजी को कहो कि आंटी का जी करता। आंटी जी हम फ्लाइट 1:30 बज गया, 2:30 बजे रात के फ्लाइट से रात के टाइम खजल खराब कर दें ठीक कर दें। चलो कोई नहीं, ठीक है। जे इन्होंने लेट करता तो चलो फिर देखी जाएगी, जे इन्होंने कहता कि और 5 घंटे नहीं तुरनी फिर रेस्ट करना फिर बह जाएंगे और करा मेरा जी करता है गुड़िया में चुप कर। गोरी है इंडियन?
जाओ फिर ये लो पूछ लो। ये रही हमारी दूसरी फ्लाइट जो कि कुआलालंपुर टू ऑस्ट्रेलिया पर। हाँ जी, तो फाइनली हम बैठ गए हैं और फ्लाइट काफ़ी फुल है और बस अभी 15 मिनट में हम स्टार्ट हो जाएंगे फ्लाइट और प्रॉब्ली 4-5 आवर्स में हम पहुँच जाएंगे। फर्स्ट टाइम 8 AM। और बात, अगर आप फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो आपको एक फॉर्म फिलअप करना होता है और वो फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आप फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो ये आपको फिल करके इमिग्रेशन में देना होता है। मेक श्योर आप सारी डिटेल्स सच प्रोवाइड करें, जो भी यहाँ पे पूरा पूछा गया है वो आप जेन्युइनली बताएं, सो दैट आपको इमिग्रेशन में कस्टम में प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत प्रोवाइड की है तो आपको आई थिंक अप टू $800 to $1,000 तक का फाइन हो सकता है। शेफ अपना आप परौंठे देखो, मैं ना एक परौंठा किलो दा होना। ये आ गया मेरा पराठा जो कि प्लेट से बाहर जा रहा है। आंटी सो रही है, रेस्ट कर रही है। आंटी ठीक है, चलो पराठा खाने हैं। पराठा खा के नेक्स्ट ब्लॉग कल बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये था हमारा इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया का टूर। बाय।